दान बहुदान समस्त दान दे रहे यार उन्हीं में पूजा पाठ में भाव में उन्हीं में सत्ता में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं मैं अभी दिल्ली पहुंच चुका हूं, वीडियो का दूसरा पार्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो भाई ट्रेन हो चुका है खाली, हमारा 48 नंबर सीट इधर हो गया, 46 नंबर सीट यहाँ पे ऊपर में है। और ट्रेन देख सकते हैं पूरा खाली है इधर में, सब रात में ही सब उतर गए हैं। कोई मेरठ में उतरा तो कोई दिल्ली में निजामुद्दीन, और यहाँ क्या बोलते हैं मथुरा में खाली हो गया ट्रेन हम लोग का। हम लोग लास्ट बचे हैं, ज़्यादा कोई आदमी नहीं है ज़्यादा, हम लोग इधर 3-4 आदमी हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरठ स्टेशन है भाई साहब। तो भाई अभी कुछ ऐसे हुआ, अभी एक लड़की वहाँ ऊपर में सोई हुई थी, तो उसका शू नीचे में था, तो उसका शू को कोई आके उठा के ले गया। मैं जब मैं उधर से 5 मिनट छोड़ के, तो फिर वो लड़की आई हम लोग का तरफ में ढूंढने के, देख रही है तो जूता उसका नहीं है, गायब है उसका जूता। रेड कैंट, मैं क्या बोल रहा था, वो लड़की जब मेरे पास आई हम लोग इधर अपने जूते खोजने लगी, तो देखा जूता तो मिला नहीं, कोई उठा के ले गया हुआ। तो फिर बोले कैसे जाऊंगी घर, तो फिर मेरे पास एक सिंगल चप्पल था, वो चप्पल को मैं दे दिया। फिर ये हमारा टपरी जंक्शन है, टपरी जंक्शन से ट्रेन राइट टर्न ले रहा है, उसके बाद रुड़की स्टेशन पहुंचेगा, रुड़की स्टेशन से हरिद्वार रेलवे स्टेशन, लास्ट इसका डेस्टिनेशन है योग नगरी ऋषिकेश। अभी और 10 किलोमीटर है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, अभी 10 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। हम हरिद्वार स्टेशन आ गए हैं, अभी स्टेशन से बाहर निकलेंगे अभी हम सब। क्या है? हाँ, इसी गाड़ी में सब आ जाओ, ये सामने गाड़ी है। भाई साहब हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकल के, वैसे नहीं 2 मिनट का रास्ता है बाहर निकल के, वहाँ से पैदल रिक्शा लिए, पैदल रिक्शा लेके हम लोग इधर है। हम लोग का पीछे वाला ये रिक्शा है, अब आगे वाला रिक्शा आपको दिखाता हूँ। आगे वाला रिक्शा में हम है, मैं और मोनू और त्रिदेव इधर से हैं। अभी हम लोग हर की पौरी हरिद्वार जा रहे हैं, अभी गंगा घाट। अभी आप देख सकते हैं मेन रोड का किनारे दोनों साइड पूरा मेला ऐसे एनी टाइम लगे रहता है, खाली रात को 10-11 बजे टाइम बंद होता है, बाकी एकदम मत कोई डर भाई नहीं, अच्छा लगता है। हरिद्वार माता गंगा पीछे में बह रहे हैं, देख सकते हैं इधर, ये है अस्थि प्रभा घाट हरिद्वार। अस्थि का जितना सामग्री है सब, पिंडदान का जितना सामग्री यहीं पे मिलेगा आपको, और यहाँ पे अस्थि विसर्जन का पूरा सामान मिलता है, पिंडदान का, पिंडदान कार्य का यहाँ सारे सामान। और यहाँ सामने में एक मंदिर है, में पब्लिक सब बैठ के गंगा आरती देखते हैं, और गंगा आरती इस साइड में होता है। और ये सामने वाला मंदिर शायद ब्रह्म कुंड है ब्रह्मा जी का, मुझे अंदाज़ा नहीं है, पूछने से पता चलेगा, पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और इधर में ये दोनों भाई पैसा जो गंगा जी में दर्शन करते हैं, गंगा जी में पैसा या सोने चांदी का, वही सबको
ढूंढ रहे हैं दोनों भाई यहाँ पे। क्या देख सकते हैं आप, ये गंगा माते को यहाँ पे हैं विराजमान। और इधर पे जितना श्रद्धालु लोग नहाते हैं, और इधर पे गंगा जी का आरती होता है। मैं यहाँ अभी गुरुजी से पूछा अभी, तो गुरुजी को पूछने से बताया कि जैसे कोई भी पर्सनल अपना 2100 रुपया लगता है, अगर नहीं है तो कम बजट है तो कम में करवा सकता है, और नहीं तो फ्री भी कर देगा आपका नाम से। ऐसे मेरे को अभी गुरुजी में मेरे पीछे में ब्लैक वाला जो बैठे हैं उनसे पूछा मैं गुरुजी से अभी। और इधर में इधर पीछे जो बैठे हैं इधर पे जितना श्रद्धालु लोग बैठ के गंगा आरती देखते हैं डेली शाम को। हाँ तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय 10 बी दानिया।